भाई भाई के बीच होने वाले प्यार और तकरार को भारतीयों ने काफी पसंद किया है। महाभारत से लेकर तो अमर अकबर एंथोनी, दीवार, करण अर्जुन तक भाइयों की कहानियां बेहद हिट रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों करण यानी करण जौहर और करण मल्होत्रा को हॉलीवुड फिल्म वॉरियर में एक सफल रीमेक बनाने के गुण नजर आए। हाथ कैसे लगाया तू है? हाथ कैसे लगाया? यह भी दो भाइयों की कहानी है जिसमें भरपूर इमोशन और एक्शन है, लेकिन इसका बॉलीवुड संस्करण लंबा, धीमी गति वाला और उबाऊ है। बात की जाए कहानी की, गैरी फर्नांडिस एक्स फाइटर है जो अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा काट कर आया है। उसका एक बेटा डेविड है, उसका एक और बेटा मोंटी है जो उसे दूसरी महिला से है। गैरी की पत्नी मोंटी को अपना लेती है, लेकिन जब गैरी अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो डेविड और मोंटी के रिश्तों में दरार आ जाती है। डेविड अपने पिता से भी नफरत करता है। डेविड की बेटी किडनी की बीमारी से पीड़ित है और उसे पैसों की जरूरत है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूं। R2F यानी कि राइट टू फाइट को भारत में मान्यता मिल गई है। इसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स को एक मंच मिल जाता है। पैसों की खातिर डेविड इस मुकाबले में उतरता है, मोंटी भी भाग लेता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अंतिम मुकाबला ब्लड वर्सेस ब्लड यानी कि भाइयों में होता है। प्लस पॉइंट्स, फिल्म की कहानी, एक्शन और करीना कपूर का हॉट आइटम सॉन्ग फिल्म के प्लस पॉइंट्स हैं। हाँ, स्क्रीन पर जब इंटरवल और द एंड लिखा आता है तब भी राहत मिलती है। माइनस पॉइंट्स, फिल्म को दो भागों में बांटा गया है। इंटरवल से पहले यह एक फैमिली ड्रामा है जिसमें भरपूर इमोशन डाले गए हैं। कोशिश की गई है कि दर्शकों के आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन आपको रुमाल की जरूरत एक बार भी नहीं पड़ती क्योंकि ये भावुक दृश्य आपके दिल को छू नहीं पाते हैं। दूसरा हिस्सा एक्शन डायरेक्टर और एडिटर के भरोसे छोड़ दिया गया है। दो कमेंटेटर्स बकबक करते रहते हैं और लड़ाई चलती रहती है। फाइट के कुछ सीन बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन ये सीन इसलिए प्रभाव नहीं छोड़ते क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं है। गलियों में लड़ने वाले फाइटर्स के इंटरनेशनल फाइटर्स से मुकाबले वाली बात को जचाने में निर्देशक असफल रहे हैं। फिल्म एडिटर तो लगता है कि एडिटिंग करना भूल ही गया है। आधा घंटा तो फिल्म को काट छाट कर कम किया जा सकता था। निर्देशक करण मल्होत्रा ने अग्निपथ के बाद फिर रीमेक में हाथ आजमाया है, यानी कुछ नया करने की हिम्मत वे अब तक नहीं जुटा पाए हैं। शॉर्ट वे जरूर अच्छे फिल्मा लेते हैं, लेकिन बात कहने में बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं। वे पूरी फिल्म में किरदारों को ठीक से स्थापित नहीं कर पाए। खास तौर पर मोंटी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है यह पता नहीं चलता। इंटरवल के ठीक पहले जिस तरह से उन्होंने फिल्म पेश की है उसे देख लगता है मानो 30-40 साल पुरानी फिल्म देख रहे हो। अभिनय, अक्षय कुमार एक फाइटर के रूप में बेहद फिट लगे हैं। खास तौर पर फाइटिंग की तैयारी वाले शॉट्स में उनकी फिटनेस नजर आती है। खिचड़ी दाढ़ी वाले लुक से उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने अपना काम गंभीरता से किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का अभिनय कमजोर है। फिल्म में मुश्किल से चंद संवाद उन्होंने बोले हैं। बॉडी तो उन्होंने अच्छी बनाई है, लेकिन किरदार में जो आग होनी थी वो बात उनकी एक्टिंग में नजर नहीं आई। जैकी श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस की एक्टिंग ठीक ठाक है। एक हॉट आइटम सॉन्ग में करीना सेक्सी नजर आई है। एक हिट हॉलीवुड फिल्म का रीमेक, भव्य स्टार कास्ट, बड़ा बजट होने के बावजूद ब्रदर्स औसत दर्जे की फिल्म के रूप में सामने आती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।